नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां बीजेपी यूपी में मिशन 80 के तहत पार्टी संगठन को और मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों की आज पटना में एक बैठक चल रही है जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार होगी। इस बैठक में सपा कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर जुड़े हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती एक अलग रणनीति के साथ नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बसपा ने यूपी में एकला चलो की रणनीति का ऐलान किया है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से मायावती बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों पर बेहद आक्रामक नजर आ रही है, चाहे वो बीजेपी शासित सरकारों की नीतियां हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुलाई गई विपक्ष की महाबैठक हो। राजनीतिक जानकार मायावती के इस रुख को 2024 से पहले बसपा की बदली हुई रणनीति मानकर चल रहे हैं। दरअसल बसपा पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वो चुनावों में बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम कर रही है। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, बसपा की रणनीति से सपा को नुकसान हुआ और बीजेपी का फायदा। यही वजह है कि बसपा अब बीजेपी पर भी तीखे हमले करने से पीछे नहीं हट रही, ताकि वो खुद को बीजेपी की बी पार्टी होने के आरोपों से दूर कर सके और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बना सके। बसपा सुप्रीमो बीजेपी शासित राज्यों की नीतियों पर भी खुलकर बोल रही है, ताकि वो मुस्लिमों की सहानुभूति ले सके। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मायावती मुस्लिमों को साधने के लिए आक्रामक हुई है, जिसकी वजह से मुस्लिमों के मुद्दे पर वो बीजेपी को आड़े हाथों लेने से भी परहेज नहीं कर रही है। वहीं सपा को मुस्लिमों का मसीहा दिखाने की कोशिशों पर भी निशाना साध रही है। उन्होंने नीतीश कुमार की बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक को भी कांग्रेस और सपा की कवायद को दलितों के हित में नाटक करार दिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर का समता मूलक संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक दलितों का हित नहीं होने वाला है। मायावती ने नई रणनीति इसलिए बनाई है क्योंकि वो अपने हार के डर से बौखलाई हुई है। दरअसल पिछले कुछ चुनावों में बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बीजेपी ने बसपा के दलित वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी में कामयाबी हासिल की है। साल 2007 में जहां बसपा का वोट बैंक 30.43 था, जो घटकर 2022 में सिर्फ 12.88 ही रह गया है। मायावती को इस बात का भी डर है कि कहीं उनके वोट बैंक में विपक्षी दल भी सेंध न लगा ले। यही वजह है कि वो अब तमाम मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दलों पर हमलावर हैं। दलितों के मुद्दों पर भी वो खुलकर बोल रही है, ताकि वो ये साबित कर सके कि दलित की सच्ची हितैषी बसपा ही है और वो लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।